ऊपर है ऊपर। नीचे कूद गया। आ प्यार और भाई और उनकी मोहल्ले की भाभियों कैसे हो। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सोलो बाबा। तो भाइयों देखो, मैं खेल रहा था रैंडम प्लेयर के साथ और हाँ तुम्हें इसमें काफ़ी मज़े आने वाले हैं, क्योंकि ये जो अपना बंदे में से तीन नंबर है ना, ये इसके अलग ही नशे चल रहे हैं। तो फिर हाँ यार, देखते कि क्या नशा चल रहा है और कौन सा गांजा मारा है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम उतर चुके हैं और हमारा प्लान था शिवरनी जाने का। तो हम गाड़ी लेते हैं, मतलब उतर तो गए थे रास्ते पे, लेकिन गाड़ी लेते यहाँ पे मुझे बॉट दिखता है, मैं बॉट को फिनिश करता हूँ, मेरा टीममेट फिनिश कर देता है और इनसे एक बंदा तक मारा नहीं जाता। तुम लोग आगे देख पाओगे, इतने बड़े नूबरे हैं, नूबरे नहीं कहूँगा, सॉरी पहले भी बोला था नूबरा कोई नहीं होता, लेकिन इनको बंदा दिखता नहीं, मैं मार देता हूँ। मुझे पता बॉट था। तो हाँ भाई, वो देखो सीन क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम लोग को बताऊँगा। पहले तो मैं गाड़ी उठाता हूँ, गाड़ी उठा के मैं मेरे बंदों लोग को बुलाता हूँ और ये इतने बंदे हरामी है ना, सही में बंदे इतने हरामी है ना, गाड़ी में बैठेंगे नहीं। बैठो यार, बैठो जल्दी। तो हाँ भाइयों, गाड़ी उठाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ शिवरनी की तरफ, क्योंकि इनको शिवरनी जाना है और इनको ये रैंक पुश कर रहे हैं, तो फिर रैंक पुश तो कराना। और ये बेटी जो चिल्ला रहे, इतनी बार बोला हूँ ना इन लोग को चिल्लाने से, मना किया हूँ तब भी। तो हाँ भाइयों देखो, डिस्टर्बेंस हो रही है तो आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है, लेकिन मेरे सस्ते नशे के अपना टीममेट उतर जाता है। कौन सा नशा करके तू गेम खेल रहा था, और बहाने बहाने क्या ही बोलूँ मैं तुम लोग को। अब जो भी हो, भाई को रिवाइव पहनने के बाद हम निकल पड़ते हैं रोजक की ओर, क्योंकि वही पे तुम लोग के साथ, सॉरी हम लोग के साथ उल्टे काम होने वाले हैं। और पता नहीं इस लाल जोन को हमसे क्या दिक्कत है, हमारे सर पे ही बनेगी। तो हाँ भाइयों, मैं रोक लेता हूँ यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग ठिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद तभी हमारे साथ ये होता है। देखो तुम लोग, रेड जोन हट चुका है सर से और खतरा टिल चुका है। तो मैं गाड़ी निकलता हूँ, मेरे टीममेट को बैठाता हूँ और हाँ इधर ही तुम्हारे साथ क्या मेरे साथ गलत सीन होने वाले। तो देखो भाइयों क्या होता है मेरे साथ। अभी सीन क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ। रोजक की पहाड़ी पे आ चुके हैं बंदे और मेरे यहाँ पे फटके चार हो गई है। तो हाँ, जो करना होगा देख के करना होगा, नहीं तो इधर ही बूंद फाड़ देंगे वो लोग। तो भाइयों मैं यहाँ पे देता हूँ एक रैंडम फायर, और जो कि लग भी जाती है। तो हाँ, रैंडम फायर हमेशा दिया करो और कवर टू कवर खेलो, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ भाई मैं ही हूँ यहाँ पे शेर और कोई नहीं है मेरे साथ। तुम्हें ये सोच के चलना है कि मैं खुद अकेला खेल रहा हूँ, मेरा टीममेट जाए बाहर में, नहीं ऐसा चलोगे तो कैसा चलेगा। तो हाँ भाई, वो देखो टीम कॉल बहुत ज़रूरी है ना, तो मैं चला जाता हूँ कवर पे, और कवर टू कवर खेलने में मज़ा आता है। और मुझे इतना पता था कि मैं जिधर हूँ उतना सेफ नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ पे सेफ होता तो मेरे साथ क्या ही हो रहे होते। तो हाँ, उन लोग को इतना तो पता था कि उनको रश करना है या फिर हमें रश करना है, तो फिर उन लोग को करने देते हम रश।
और तभी हमारा टीममेट नॉक हो जाता है और उसको नॉकआउट विद फिनिश भी कर दिया था। और इतना तो गारंटी था कि वो लोग हम पे रश करेंगे, तो हाँ हम भी कैसे ना रुके। तो हाँ मैं कवर टू कवर खेलने की बहुत कोशिश करूँगा और तुम लोग को भी सिखाऊँगा कि कवर टू कवर कैसे खेला जाता है, जैसे कि मैं खेलता हूँ। आगे देखो तुम लोग। और जब तक मैं सोच रहा होता हूँ ना, हम लोग बिल्कुल सेफ है, मैं गलत होता हूँ। तो इसलिए भाइयों मैं ना स्मोक कर देता हूँ गाड़ी के बाहर, जिससे कि हम गाड़ी लेके थोड़ा सेफ जगह पे जाके फिर उनसे फाइट ले पाए। लेकिन मैंने कहा लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि ये दो नंबर वही का वही रह गया। और हाँ, हम लोग जब भी गाड़ी निकालने वाले होते हैं ना, हम लोग के साथ एक गलत सीन होते हैं। तो फिर भाइयों आगे देखो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो फिर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और इस चीज़ के लिए अगर तुमने कहीं लाइक नहीं किया है ना, या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम्हें पाप लगेगा। अब सीन क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ। दो नंबर को बिठाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन हम पे बहुत ज़ोर से फायर होता है और मेरे यहाँ पे फटके 64 हो गई होती है। तो फिर मैं कवर पे चला जाता हूँ, और जैसे मैं कवर पे चलाता हूँ, मुझे इतना तो गारंटी था कि वो लोग रश करेगा। और रश करने के बाद हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, गांड बहुत फटती है। तो फिर हाँ भाई लोग, मैं बहुत जल्दी जल्दी हीलिंग वगैरह पहलता हूँ, और हीलिंग वगैरह पहनने के बाद उनसे फाइट लेंगे। और देखो क्या इंटेंस मोमेंट होते हैं हम लोग के साथ। इसको नॉक करने के बाद मुझे इतना तो पता था कि मेरे पास पुश होने वाला था। तो फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ, और मुझे इतना गारंटी था कि उसका बंदा हो ना हो, किसी को चुल मची होगी मुझ पर रश करने के लिए। तो फिर हाँ, मैं भी बहुत बड़ा हरामी हूँ ऐसे कैसे। तो फिर तुम लोग को बंदा तो दिख ही गया होगा। हाँ बिल्कुल, ये रहा बंदा। और मैं इसको जैसे इसको भी नॉक कर देता हूँ, और इसको नॉक करने के बाद मैं चला जाता हूँ कवर पे। और जब मैं कवर पे होता हूँ ना, मेरे सामने से गाड़ी निकली होती है, और मुझे पता था कि अगर मैं इन पे फायर किया तो फिर ये लोग कूद के मार देंगे मेरे को। तो हाँ मैंने थोड़ी देर होल्ड किया वहाँ पे, और फिर मेरे में क्या चुल मची मुझे पता नहीं, मेरा टीममेट वहाँ पे नॉक हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे बंदा तो दिख जाता है, लेकिन मुझे करना था उसके ऊपर पुश, और देखो उसको कैसे नॉक करते हैं। ऐ प्यार, ये कहाँ से आ गया? और मैंने जब उस बंदे को नॉक किया ना, मुझे तब लगा कि हाँ भाई आज गेम प्ले बना के रहूँगा, आज गेम प्ले हो जाएगी, वीडियो बन जाएगी अच्छा खासा। लेकिन नहीं, मेरा कुछ और इंटेंशन था भाई। क्यों भाई एक वीडियो बनाने को, तो एक थोड़ी किल करने दो यार, क्या होता है तुम लोग के साथ। तो हाँ भाइयों, इसी के साथ मेरा 4 किल लेके इस वीडियो को ख़त्म कर दे यहीं पे। और वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और ये जो मेरे साथ बकचोदी हुई है ना, ये तुम्हारे साथ भी हुई है तो मेरे पे कमेंट करो। तो हाँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा।